चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम के मिजाज की, जहां मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है और एमपी पर अब मानसून मेहरबान होता नजर आ रहा है, जहां मध्य प्रदेश में बारिश का सिस्टम एक्टिव है। भोपाल जबलपुर समेत 16 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं राजधानी भोपाल में मंगलवार रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बात कर ली जाए अन्य जिलों की तो सीहोर, राजगढ़, रायसेन, शाजापुर में अति भारी बारिश का अनुमान भी जताया गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश हो सकती है, ये मौसम विभाग ने जानकारी दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में बारिश का सिस्टम एक्टिव है और ऐसे में राजधानी में मंगलवार रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। और बात कर ली जाए तो ये जानकारी भी सामने आई है कि नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो उत्तरी मध्य प्रदेश से होकर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। वहीं ट्रफ लाइन एक्टिव है, इस कारण बारिश हो रही है। तो ये जानकारी सामने आई। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश होने के आसार भी मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। वहीं बात कर ली जाए 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश दर्ज की गई है और लगातार भारी बारिश की वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्याएं भी देखने को मिल रही है, जहां लोगों के घरों में जलभराव और उसके साथ ही दुकान में भी बारिश का पानी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त है। और देखिए देश भर की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई थी हमारे, जहां पर देखा जा रहा था कि अब तक की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 2 दिन में बारिश के कहर की वजह से 76 लोगों की मौत हो चुकी है। और अलग अलग राज्यों में अगर बात कर ली जाए राजधानी दिल्ली की, उसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड, जहां पर तेज बारिश की वजह से भूस्खलन जैसी स्थिति भी उत्पन्न हुई और उसकी वजह से कई सारे लोगों की जान जा चुकी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बारिश एक आफत बनती हुई नजर आ रही है। और बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में अब मानसून मेहरबान है, जहाँ पर हाल ही में कुछ समय पहले गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब उसके बाद में अब मध्य प्रदेश के कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर रिमझिम बारिश हो रही है। हालांकि इस दौरान मौसम विभाग ने हेवी रेन का अलर्ट भी जारी कर दिया है। अब इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं, विवेक पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विवेक, तिनकों की तरह बहती गाड़ियां और ताश के पत्तों की तरह बिखरते घर, किसी के लिए ये बारिश काफी कारगर साबित हुई तो किसी के लिए एक बड़ी परेशानी बनती नजर आ रही है। देश भर की वो तस्वीरें हमारे सामने आई जहां पर कई सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी बारिश के कहर की वजह से। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में भी क्या ऐसी स्थिति है और इस वक्त आप राजधानी भोपाल में मौजूद है, वहां का मौसम कैसा है? देखिए राजधानी में पिछले कल से ही बारिश का दौर शुरू था और कल शाम होते होते कल रात तक पूरी बारिश हुई है और सुबह से ही यही दौर जारी है। लगातार बारिश के दौर के चलते भोपाल में 3 मिलीमीटर के आसपास बारिश को रिकॉर्ड किया गया है और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 16 जिलों में मौसम विभाग ने हैवी रेनफॉल की आशंका जताई और मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के आसपास की जो 6 जिले हैं इनमें रेड अलर्ट जारी किया गया है, यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होने की आशंका है और ये सिलसिला मध्य प्रदेश में जारी है। समझने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला कब से शुरू हुआ है, पहले बिपरजॉय के बाद, उसके बाद फिर प्री मानसून के बाद अब मानसून। मानसून ने जिस तरीके से दस्तक दी है इससे मध्य प्रदेश में जल स्तर का जो परेशानी थी वो फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन जहां तक बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं राजस्व विभाग का जो रियल टाइम डेटा है उसमें ये निकल के सामने की 1600 गाँव फिलहाल उनमें पानी भरा हुआ है और राहत वाली बात है तो राहत के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात है। बहरहाल होमगार्ड को भी ये अलर्ट पे रखा है कि कहीं पर भी जलभराव की स्थिति हो तो फौरन ही रेस्क्यू के लिए टीम भेजी जाए, लेकिन उत्तरकाशी दिल्ली जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में फिलहाल नहीं है। डूब की स्थिति के जो गाँव थे उनको सरकार ने पहले ही बारिश से पहले खाली करा दिया था। राजधानी का जहां तक सवाल है तो राजधानी में पिछले दिनों जब बारिश हुई तो नगर निगम की पोल खुली और ये व्यवस्था को लेकर सवाल उठे कि लोगों के घर में पहले ही बारिश में पानी भर गया, इसके बाद नगर निगम की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, कई ऐसे इलाकों के जहां पे निचली बस्ती के लोग रहते थे उन्हें खाली करा दिया। इसके साथ साथ जो नाले थे उनको साफ सफाई करके पूरी तरीके से ड्रेनेज सिस्टम जो राजधानी का था उसको दुरुस्त किया गया और जिसकी वजह से कल जब बारिश का दौर शुरू हुआ और आज सुबह तक लगातार जब बारिश चलती रही तो उस दौरान कहीं पर भी जल भराव की सूचना नगर निगम के पास फिलहाल नहीं पहुंची है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब ये मानसून जो स्थिति है ये लगातार मध्य प्रदेश पे मेहरबान रहेगी और इससे सबसे जो फायदा होने वाला है ये आने वाले किसानों
वो सबसे ज्यादा इससे फायदा होगा। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि अगर बारिश का दौर लंबे समय तक चलता रहा तो बोनी में दिक्कत होगी। लेकिन मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जुलाई और अगस्त के बीच में बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन सितंबर में राहत रहेगी। सितंबर में बारिश होने का फिलहाल अनुमान नहीं है, लेकिन जी अगर कोई मौसम एक्टिवेट होता है, कोई ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश से गुजरती है, तो बारिश जरूर होगी। बिल्कुल विवेक। और मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से अब तक अगर देखा जाए तो 12% ज्यादा बारिश हुई है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में कैसा होगा? और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि ज्यादा बारिश कहीं ना कहीं एक आफत बनती हुई नजर आ रही है। किसानों के लिए बात की जाए, धान की फसल के लिए तो ये बारिश काफी अच्छी है, लेकिन जो अन्य किसान है उनके लिए कहीं ना कहीं ये समस्याएं बनती नजर आ रही है, क्योंकि जो अन्य फसल है उसमें ज्यादा बारिश होने की वजह से उनकी फसल को नुकसान पहुंच रहा है। इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं किसानों की ओर से? देखिए, इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। महंगाई के साथ साथ टमाटर आसमान छू रहा है और टमाटर की जो फसल है पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। उसका कारण है कि बारिश हुई और बारिश की वजह से जो टमाटर खेतों पे लगा रहा वो सड़ गया और इसके दाम लगातार बढ़ते रहे। अब जो टमाटर आ रहे हैं वो पॉली हाउस पे उगाए हुए टमाटर है जिनकी वजह से दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जाए तो धान की फसलों के लिए बारिश काफी मुफीद साबित होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में धान का रकबा भी बढ़ा है और सरकार की ये जरूर कोशिश रही है कि जब रकबा बढ़ता है तो जरूर अच्छी बंपर पैदावार होती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि ऐसे में जब बारिश हो रही है उस बीच जो राहत बचाव कार्य है उसको जारी रखने के लिए सरकार ने रैपिड टीम बनाई है जो मंत्रालय से मॉनिटर कर रही है। और बाकी अन्य किसानों की बात की जाए तो बाकी अन्य किसानों के लिए मुश्किल जरूर पैदा होगी, क्योंकि उन्हें धान जैसी जो अलग किस्म की फसल है उन्हें बोनी करने में दिक्कत होगी। लेकिन बारिश की वजह से ये अभी जो फिलहाल कुछ दिनों से भी देखने के लिए मिला था कि बारिश नहीं होने की वजह से उमस की स्थिति बन गई थी, लेकिन अब मौसम में राहत है और लोगों को इसमें सबसे ज्यादा जो स्थितियां हैं जो मौसम मौसमी बीमारी है इनमें सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। बहरहाल डॉक्टरों की ये सलाह है कि लोग बारिश में जी, तो लगातार बारिश की वजह से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अलग अलग तरीके की समस्याएं आती है। एक तो जलभराव जैसी समस्या किसानों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी, क्योंकि लगातार भारी बारिश होने की वजह से किसानों की फसल को नुकसान होता है। लेकिन वही दूसरी ओर देखा जाए तो मौसमी मार भी यहाँ पर लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि ये बारिश कहीं ना कहीं एक आफत बनती हुई भी नजर आ रही है। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के कई सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर हैवी रेन का अलर्ट जारी कर दिया है। और मध्य प्रदेश की कई सारी ऐसी नदियां हैं जो कि उफान पर है, नदी नाले उफान पर है, और यहां पर लोगों की लापरवाही भी देखने को मिलती है। और बात कर ली जाए शाजापुर की, तो वहां से भी एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर लोग जहां पर जलस्तर बहुत ज्यादा है नदी नालों का, उफनती हुई नदी नालों पार करते हुए भी नजर आए थे। तो यहाँ पर लोगों की लापरवाही भी साफ तौर पर नजर आती है। और बारिश की बात कर ली जाए तो बारिश की वजह से कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है। शहरी इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, घरों में पानी बह जाता है, और उसके साथ ही बात दुकानों की तो दुकानों में भी जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं होता है, हर साल ऐसा ही हाल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो ठप होती नजर आती है। और नगर निगम के द्वारा जो जल भराव है उसकी निकासी के लिए कोई व्यापक इंतजाम नहीं किए जाते हैं, और इसी की वजह से ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती है। हालांकि बात कर ली जाए तो मौसम विभाग ने एक बड़ी जानकारी दी है जिसमें उनका कहना है कि जून से लेकर अब तक मध्य प्रदेश में बारिश हुई है उसमें 12% अधिक बारिश दर्ज की गई है। अब ऐसे में सवाल यही कि अभी ऐसी स्थिति है तो आने वाले समय में किस प्रकार की स्थिति मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। देखिए, 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश हो चुकी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी बनती भी नजर आएगी, क्योंकि बारिश के साथ ही साथ कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आती है जहां पर लोगों की जान बनाती है। और ऐसे में देखने वाली बात है कि आखिर ये बारिश इसी प्रकार से कब तक अपना कहर बरकरार रखेगी, और प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से इसके इंतजाम किए गए हैं। तो कई सारे ऐसे नदी नाले हैं जहां पर जलभराव और उसके साथ ही उफनते नदी नालों की तस्वीरें भी हमारे सामने आई थी, और ऐसे में लोगों की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है, जहां बड़ी लापरवाही की वजह से कई बार लोगों को जान का जोखिम भी उठाना पड़ रहा है।
तो राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो राजधानी भोपाल में लगातार बारिश हो रही है रिमझिम बारिश की वजह से। हालांकि राजधानी भोपाल में ऐसी कोई स्थिति अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है क्योंकि रिमझिम बारिश की वजह से जलभराव जैसी स्थिति फिलहाल राजधानी भोपाल में नहीं है। लेकिन अन्य जिलों की बात कर ली जाए तो भिंड और उसके साथ ही सीहोर राजगढ़ ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अनुमान है और मौसम विभाग ने पहले से ही कई सारे जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही लोगों से कहा है कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से और अगर बाढ़ की जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे में बाहर ना निकले, सुरक्षित रहें, ये भी अपील मौसम विभाग की ओर से की जा रही है। और ये बारिश की वजह से स्वास्थ्य पर तो असर पड़ ही रहा है लेकिन हम बात करें यातायात की तो यातायात भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित है, आवागमन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि नदी नाले उफान पर होने की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर ली जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और कोशिश की जा रही है कि जहाँ पर नदी नाले वाले क्षेत्र है और जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं मुरैना, वहां की तस्वीर हमारे संवाददाता विनोद तोमरलाल हमें दिखाने वाले हैं। विनोद, इस वक्त आप मुरैना में मौजूद हैं, वहां का मौसम क्या है, वहां पर भी क्या भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है? पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष अधिक बारिश हुई है और पहले जो बारिश हुई थी वो 194% के करीब हुई थी, अब की बारिश हुई है 200 से ऊपर हुई है, 22% के करीब, और सबसे ज्यादा वर्षा 335% मुरैना जिले के बोरसा कस्बे में हुई है। जो बारिश है जो लगातार हो रही है मुरैना में, जिससे नदी नालों में भी अब उफान पर आ रहे हैं, जैसे चंबल नदी है जो मुरैना जिले की प्रमुख है जो वो भी अब उफान पर आ रही है, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली है, SDRF और NDRF की टीम को तैयार किया है और जो नदी के किनारे जो लोग गाँव हैं उनको भी उस सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बारिश की जाए तो बारिश पिछले साल की अपेक्षा 94.1 mm वर्षा अधिक हुई है जून से लेकर अब तक। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारी बारिश का अलर्ट अब मुरैना में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि शिवपुरी से एक तस्वीर सामने आई थी विनोद, जहां पर नदी नाले उफनते हुए थे और वहां से लोग लापरवाही के साथ नदी नाले पार करते हुए भी नजर आ रहे थे। ऐसे में अगर बात कर ली जाए मुरैना की तो जैसा आपने जिक्र किया कि कई सारे नदी नाले हैं जो कि उफान पर हैं, वहां पर प्रशासनिक किस प्रकार से अलर्ट है, प्रशासनिक ओर से किस प्रकार से व्यवस्था की गई है और साथ ही क्या ऐसे ही लोगों की लापरवाही वहां पर भी देखने को मिल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा अनुपमा जी के प्रशासन लगातार जो जहां नदियां उफान पर है वहां पे SDRF और NDRF की टीम को तैनात किया गया है जी। और लोगों को हिदायत भी दी जा रही है, समझाइश दी जा रही है कि आप अगर नदी नाले उफान पर हैं तो वहां से न गुजरे और अन्य रास्ते से होकर जाए, और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो पिछले वर्ष जो चंबल नदी में जो बाढ़ आई थी उससे काफी गाँव और लोग प्रभावित हुए थे और उस बाढ़ से लोगों को निकालने में प्रशासन को काफी मशक्कत भी करनी पड़ती, इस वर्ष प्रशासन पहले से ही पूरी तैयारियां कर चुका है। जी विनोद, जैसा कि आपने जिक्र किया चंबल नदी का, क्या इस बार भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है और फिलहाल प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की गई है ताकि जो पिछली बार जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही थी वो इस बार ऐसी तस्वीरें ना देखने को मिले? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार जो चंबल नदी अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर उफान पर थी, लेकिन अब जो चंबल में बाढ़ पानी बढ़ा है पहले से, लेकिन अभी उतना पानी नहीं है, लेकिन प्रशासन ने जो चंबल के किनारे जो गांव थे उनको वहां से तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक अलग तस्वीरें भी देखने को मिल रही है और फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या ऐसा ही हाई अलर्ट जारी रहेगा और लगातार बारिश होगी या नहीं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो देखिए लगातार अब मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर रिमझिम बारिश हो रही है तो कहीं पर हाई अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। तो कई सारी तस्वीरें जैसा कि हमने देखा कि मुरैना से हमारे संवाददाता जुड़े थे, वहां की स्थिति उन्होंने बताई, उसके साथ ही राजधानी भोपाल की तस्वीरें भी दिखाई है विवेक हमारे संवाददाता ने।
तो अगर बात करी जाए तो मध्य प्रदेश के कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश तो देखने को मिल रही है, नदी नाले उफान पर है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर रिमझिम बारिश फिलहाल हो रही है। हालांकि मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में ज्यादा बारिश हो सकती है, ऐसे में पुलिस प्रशासन को पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत है और लोगों से भी जागरूक रहने की बात की गई है। और जब उफनती नदी और नाले हो तो इस दौरान रोड पार ना करें, क्योंकि ऐसे में जान भी जा सकती है और इसी का अलर्ट लगातार पुलिस प्रशासन की टीम की ओर से किया जा रहा है। हालांकि तेज बारिश की वजह से जब नदी नाले उफान पर होते हैं तो आवागमन भी बाधित होता है और ऐसे में लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं भिंड का, जहां से हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश, बात करें भिंड की, तो भिंड उन जिलों में शामिल है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। फिलहाल हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि आप जहां पर मौजूद है वहां पर उतनी बारिश नजर नहीं आ रही, लेकिन भिंड के अन्य जगहों की बात कर ली जाए तो वहां पर कैसी स्थिति है? जी, भिंड शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है और जो सड़कें हैं वह पूरी तरह से पानी से भरी हुई हैं, क्योंकि भिंड शहर पूरा जलमग्न है। लगातार बारिश होने से यहाँ पर जो सड़कें बनाई गई वहाँ पर नाले की व्यवस्थाएं नहीं की गई, क्योंकि जो सड़कें बनाई जाती है वह ऊंची कर दी जाती है और नाली नहली होने की वजह से यहाँ पर बरसात का पानी भर रहा है और यहाँ के रहवासी लगातार परेशान हो रहे हैं। पानी में चल रहे हैं, जितने भी सरकारी भवन बने हैं, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे पुलिस अधीक्षक कार्यालय हो, चाहे मेला ग्राउंड हो, उसमें लगातार घुटना घुटना पानी भरा हुआ है, क्योंकि सड़कें जो बनाई गई थी वह ऊंची बना दी गई है। जो कार्यालय सरकारी बने हैं या मोहल्ले बने हैं वह बहुत निचले स्तर पर हैं, इसलिए पानी नहीं निकल पा रहा है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अलग स्थिति देखने को मिल रही है भिंड में भी और ज्यादा बारिश हो रही। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, भिंड पुरेरा और भोपाल में जिस प्रकार की बारिश हो रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में स्थिति और भी खराब हो सकती है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें जागरूक रहने की जरूरत है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और यही कोशिश है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो उससे लोगों को किस प्रकार से बचाया जा सके, इसके लिए लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें जहां पर साफ तौर पर जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अन्य राज्यों में बारिश कहर बनकर टूटी है, वैसी स्थिति फिलहाल मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन रिमझिम बारिश अभी कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर हो रही है और कई ऐसी नदियां भी है, नाले भी है जो कि उफान पर है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या बारिश का कहर इसी तरीके से बरकरार रहता है और किस प्रकार से प्रयास किया जाता है प्रशासन की ओर से कि बारिश के कहर को रोका जा सके और जो जलभराव और जलजमाव की स्थिति देखने को मिलती है वो स्थिति ना देखने को मिले, इसके लिए क्या कुछ व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं और इंदौर की तस्वीरें जाने की कि वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो हमारे संवाददाता जुड़े हुए, फिलहाल अगर बात कर ली जाए इंदौर की, तो इंदौर में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है मौसम को लेकर, क्या वहां पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है? कल जो है दिन भर मौसम खुला रहा, धूप रही और उसके बाद में शाम होते होते 4 बजते बजते थोड़ा सा मौसम खुशनुमा हुआ, हल्की हल्की फुहारे थी, बारिश थी। शाम को 5:30 बजे से तेज बारिश का दौर शुरू हुआ जो कि रात भर चला, रात को 8 से 9 बजे तक काफी तेज बारिश हुई, भारी बारिश। इससे ज्यादा सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई है जो दफ्तर से या अपने स्कूल कॉलेज से घर जा रहे थे, क्योंकि इंदौर शहर में जो है मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है और जो एवी रोड का हिस्सा है वहां पर बीआरटीएस में भी अधिकतर समय जो बारिश के समय में पानी भरा रहता है, तो यहाँ पर जाम की स्थिति रही। तो जो लोग अपने घर पहुंचने के लिए निकले थे दफ्तर से, अपने स्कूल कॉलेज से, तो वो काफी उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। और कल हम अगर बात करें तो कल जो है 5 इंच अब तक की जो है, कल से जो है 5 इंच बारिश हुई है और जुलाई के माह में जो 12 से 14 का जो एक बीच का बारिश का जो अनुमान लगाया जाता है और आज 10 दिनों में, जुलाई के 10 दिनों में 5 इंच बारिश, यानी अगर बारिश का दौर अच्छा रहा तो ये हर साल जो 10 से 12 इंच की बारिश होती है उससे ज्यादा बारिश गिरने का अनुमान है, वर्षा होगी। और जो है अभी जो सुबह से जो मौसम है खुला हुआ है, खुशनुमा माहौल है,
और कोई बारिश का दौर नहीं, ये सबसे ज्यादा सुकून देने वाली बात। और लोग जो स्कूल कॉलेज के लिए निकलते हैं, क्योंकि कई लोग दोपहिया वाहनों से जाते हैं, कई लोग साइकिल से जाते हैं। बिल्कुल योगेश, कहीं ना कहीं ये बारिश इंदौर के लिए राहत भरी बारिश मानी जा सकती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहां का मौसम का अपडेट भी लिया। कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश और जलभराव जैसी स्थिति है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर ये मौसम काफी खुशनुमा नजर आ रहा है। रिमझिम बारिश के साथ में सुबह की शुरुआत हो रही है और ऐसे में खुशनुमा मौसम भी दिखाई दे रहा है। तो इंदौर ऐसा जिला है, ऐसा शहर है जहां पर ज्यादा बारिश नहीं है, लेकिन हालांकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया कि आने वाले समय में अलर्ट रहने की जरूरत है।